Defining social stratification. In this session, we are going to define the concept of social stratification. Social stratification refers to a system by which a society ranks categories of people in a hierarchy. In the United States, it is perfectly clear that some groups have greater status, power, and wealth than other groups. दीज डिफरेंसेज आर वॉट लेड टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यानी अमरीका जैसा मुशरा जो एक डवेलप डेमोक्रेसी कहलाता है वहाँ भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वह एग्जिस्ट करती है और उसकी बुनियाद क्या है पावर है और वेल्थ का होना है देन सोशल स्ट्रेटिफिकेसन इज बेस्ड ऑन फोर मेजर प्रिंसिपल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज़ अ ट्रेट ऑफ सोसाइटी नॉट सिंपली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी स्ट्रेटिफिकेशन सिर्फ अफराद के साथ या एक फ़र्द के साथ मुतल नहीं है बल्कि माशरों के अंदर मौजूद है यानी yani स्ट्रेटिफिकेशन लोगों के दरमियान इंडिविजुअल अफराद के दरमियान नहीं होगी बल्कि माशरे की तकसीम का नाम है सो स्ट्रेटिफिकेशन इज़ यूनिवर्सल इट हैपन्वरीवेयर बट वेरिएबल्स दे आर दे कैन बी डिफरेंट अक्रॉस फ्राम सोसाइटी टू सोसाइटी यानी कि एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है हर जगह पर पाई जाती है हाँ ये हो सकता है कि किसी मुशरे में कोई एक सिंबल ज़्यादा अहम है कोई एक फैक्टर ज़्यादा अहम है ये ये चीज़ जो है ये मुख्तलिफ हो सकती है सो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन्वॉल्वस नॉट जस्ट इन इक्वालिटी बट बिलीव एज वेल इनक्वैलिटी इज रूटेड इन अ सोसाइटीज़ फिलोसफी यानी जो सोशल uh, स्ट्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि ये लोगों के अंदर सिर्फ इस बुनियाद पर हो कि वहाँ पर अदम मसावत है बल्कि ये ऐसे ही पनप चुका है जैसे कि कोई फ़लसफ़ा पनपता है किसी भी माशरे के अंदर बिकॉज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स द डिफ्रेंसीशन ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन इन टू की

तो ये अनिक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स तो है ही है इसके साथ अन डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है लाजमी बात है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा जिसके पास रिसोर्स ज़्यादा होंगे उसको माशरे के अंदर ज़्यादा बड़ा दर्जा भी हासिल होगा यही है बुनियादी फलसफा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बैक पर काम करता है क्योंकि ये एक प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स आर रैंक्ड इन अ मोर और लेस एंड ऑफ स्टेटस इज़ नोन एज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये कोई अपर क्लास है लोअर क्लास है ये सब क्लास सिस्टम जो डेवलप होता है ये ना तो एक दिन में डेवलप होता है ना इसके पीछे एक फैक्टर होता है जाहिर है बुनियादी तौर पर वो अफराद वो ख़ानदान जो इनफ्लुंशियल होते हैं वो मुआरे जहाँ शुरू से ही दर्जा बंदी की गई इंसानों की या तो उनके पेशे की बुनियाद पर जैसे सब कॉन्टीनेंट की रवायात हैं यहाँ शुरू से सदियों से जिन लोगों ने जो पेशा इख्तियार किया उसकी बुनियाद पर उनको लिंक कर दिया वही उनकी ज़ात पहचान बना दी गई ठीक है तो अगर वो पेशा वो काम इतना नहीं समझा जाता था तो उन लोगों की दर्जाबंदी को नीचे की सतह पर रखा गया ख़ास तौर पर वो आ, जो माशरे ख़ास तौर पर सब कॉन्टीनेंट के अंदर जैसे गांव गांव का रवाज था कि जो कोई मोती या तरखान है उसको उसी लिहाज से दर्जा बंदी जो है वो दे दी जाती थी और ज़िम्मेदार का दर्जा उसकी क्लास महज इसलिए अपर थी कि उसके कब्ज़े में ज़मीन होती थी और उस ज़मीन पर काम करने वाले लोग उनकी दर्जा बंदी अलहदा थी ओनर की दर्जा बंदीदा थी लेकिन वेस्ट के अंदर रिसोर्स की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन हो गई लोगों की लेकिन हर जगह पर दुनिया में किसी न किसी तरीके से ये दर्जा बंदी जो है वो सदियों से मौजूद है और आज भी ये उतनी ही रेलिवेंट समझी जाती है जितनी के पहले थी